दोस्तों आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर। हाँ, आज हम DI की सेट करेंगे। इस तरह की DI जो कि प्री लेवल एग्जाम में पूछी जाती है। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ हम DI को स्टार्ट करते हैं। डाटा गिवन द ब्लॉक द शो द नंबर ऑफ गर्ल इन 6 डिफरेंट स्कूल। सम डाटा इज गिवन इन एब्सोल्यूट वैल्यू वाइल सम इज इन परसेंट। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग द क्वेश्चन। इसमें बताया गया कि कुछ डाटा हमें परसेंट में दिया गया और कुछ डाटा हमें वैल्यू में दिया गया। जो परसेंट में दिया गया हो, जो कि जैसे A, C और D और E का डाटा जो कि हमें परसेंट में दिया गया, और इसी के साथ जो कि B और E का हमें डाटा जो कि वैल्यू में दिया गया, इसी के साथ हम टोटल पाई चार्ट की वैल्यू होती है 100%। अगर हमें 100% में हमें 100% निकालना है, इसी दोनों अगर हमें B और E को दोनों एक दो को प्लस करने पर जो कि इन प्लस करेंगे और प्लस करके हमें 100% का डाटा निकालेंगे। सबसे पहले हमें बी और ई दोनों का हमें प्लस करेंगे जो कि हमें मिलेगा 594 प्लस 462 जो कि हमें डाटा मिलेगा। इसी के साथ हमें परसेंट निकालेंगे कितने परसेंट, हमें 100% निकालना है। सबसे पहले हम इन परसेंटों का प्लस करेंगे, जैसे A, B और C, और इसी के तहत D और F, इसी सभी का हम प्लस करेंगे जो हमें डाटा जो मिलेगा 15%, 24% एंड 9%, जो कि हमें 68% मिलेगा। अगर 68% पाई चढ़ के हमें 100% में और 68% निकालेंगे जो कि हमें 32% मिलेगा। 32% हमें और E और F का दोनों का डाटा पता चल गया, इन दोनों का डाटा जो कि 32%। अगर 32% ये वैल्यू है और हमें 100% निकालना है, 100% निकालने के लिए हम जो कि 32 को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी के साथ हम इसको एक दूसरे से काट देंगे, हम इसको 8 से काटेंगे, 8, और इसी के साथ हम 4 से इसे फिर काटेंगे जो हमें मिलेगा जो कि हमें जो कि इसे पूरे पाई चार्ट की वैल्यू है 3300। और इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन 6 स्कूल D इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल E। हमें गर्ल्स D और गर्ल्स E में हमें टोटल फाइंड करना है भी कितनी ही ज़्यादा है। सबसे पहले हमें D का डाटा देखेंगे, डी के डाटा देखने के जो कि 24% है, हमें इसका डी का डाटा निकालेंगे जो कि 24% है। 24% बाय परसेंट को नीचे रखेंगे 100 और हम 3300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो कि हमें डाटा मिलेगा 297। और इसी के साथ हमें बताना है हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल में ई। हमें ई में स्कूल निकालना जो कि हमें 462, और हमें इसमें देखेंगे कितने 3, जो कि इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ए। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A एंड D। और ए और डी के हमें टोटल फाइंड निकालना है इसमें कितने परसेंट हैं, और इन दोनों का हमें टोटल निकालना है। कहीं सबसे पहले हमें ए में देखेंगे जो कि 20% है, और इसी के साथ हम डी का परसेंट देखेंगे जो कि 24%। अगर 24% इन दोनों का सम करने पर जो कि 44% होगा, और 44% जो कि हमें निकालना है बाय 100%, और दोनों का जो कि हमें इसमें टोटल हमें दिया गया जो कि 3300। इसी के साथ हमें निकालेंगे मल्टीप्लाई 3,
जो कि इसी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो कि हमें इसका आंसर मिलेगा, इसका सही आंसर है बी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ 9:8 देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूल इन स्कूल एफ स्टूडेंट इन स्कूल एफ। हमें स्कूल एफ और हमें स्कूल एफ में जो कि हम टोटल निकालना है स्टूडेंट कितने हैं। सबसे पहले हम एफ में देखेंगे, एफ का जो कि 9% है, 9/100। हमें टोटल निकालने के लिए इन दोनों का प्लस 9:8 जो कि 9 गर्ल का रेशो है और 8 जो कि हमें बॉय का रेशो है, इन दोनों का प्लस करेंगे सबसे पहले 17, और जो कि हमें दिया गया है गर्ल्स का, गर्ल्स के लिए जो कि हमें 9, और इसी के साथ हम करेंगे इसका जो कि टोटल निकालेंगे, जो कि टोटल की पाई की चार्ट की वैल्यू है 3300। इसी से आकर निकालेंगे हम 9 से 9 कैंसिल, हम 33% और इसी परसेंट निकालेंगे 33 और 70। जो इसका सही आंसर है सी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टोटल द नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल सी इस व्हाट इज परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल ए। हमें स्कूल सी और स्कूल ए के हमें निकालना है कितने इसमें लेस हैं। सबसे पहले हमें सी का डाटा देखेंगे जो कि 15% है, तो इसी के साथ हम ए का डाटा देखेंगे जो कि हमें 20% है। इसमें देखने कितने लेस हैं, इसमें 5 लेस हैं। किस से लेस हैं, ए से लेस हैं, ए का डाटा जो कि 20% है, और हमें निकालेंगे परसेंट, परसेंट निकालने के लिए हमें 100 करेंगे, 5 से कैंसिल। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो कि 25% होगा। इसका सही आंसर है सी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल बी। स्कूल बी के हम फाइंड एंगल निकालना है, हमें क्या है, हमें किसी का भी एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसका उसकी वैल्यू लिखेंगे 594 और उनका टोटल जितनी पाई चार्ट की वैल्यू है 33% हो। हमें डिग्री निकालनी है, डिग्री का जो कोण होता है 316 डिग्री होता है। इसी के साथ हम इसको करेंगे 3128 डिग्री, जो इसका सही आंसर है ए।